लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां इस वक्त कमर कसे हुए हैं, और जिस तरह से एक तरफ गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कहीं पर भी अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रख रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर करण त्रिपाठी जी हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में हैं। और आइए, मैं बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, अयोध्या फैजाबाद को इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जहां एक तरफ लल्लू सिंह है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के लिए अधय जी को टिकट दिया गया है। करण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो मैं परिचय जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस में हैं, किस पोस्ट पर हैं, और अभी कितने सालों से आप कांग्रेस में से आप जुड़े हुए हैं? कांग्रेस पे मुझे 7 साल हो गए हैं, और सबसे पहले मुझे यहाँ के हमारे जो पूर्व सांसद हैं आदरणीय निर्मल खत्री जी के द्वारा मुझे महानगर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। देन 3 साल बाद, फिर उसके बाद मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहा एक कार्यकर्ता के तौर पर, और भी जल्दी में ही मुझे महानगर उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, और मैं अपने कांग्रेस पार्टी के लिए इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का कार्य करूंगा, और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, उसके हम काम अपना करते रहेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और डेट की भी घोषणा हो चुकी है, 5वें चरण में अयोध्या में चुनाव है, 20 मई डेट उसकी रखी गई है, जहां एक तरफ लल्लू सिंह हैं वहीं दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद हैं, और दोनों वरिष्ठ नेताओं में हैं। लल्लू सिंह को दूसरी बार, तीसरी बार टिकट दिया गया है, और क्योंकि 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस का जो गठबंधन है, क्या कहीं ना कहीं लल्लू सिंह पर भारी पड़ेगा? ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फाइट होगी, और अवधेश जी 9 बार के विधायक भी रहे हैं, पुराने नेता रहे, जमीनी नेता रहे हैं, तो अवधेश जी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवधेश जी अयोध्या के सांसद बन के आएंगे। करण जी, जिस तरह से बीएसपी ने एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा है, सच्चिदानंद पांडे जी, सचिन, और जहाँ एक तरफ दलित वर्ग की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि इस बार सचिन भी कुछ कर पाएंगे? सच्चिदानंद जी बीएसपी से जो है, क्या इन दोनों के बीच में क्या उनकी क्या भूमिका रहेगी इस बार? पहली बात तो मैं इन्हें जानता ही नहीं हूँ, और वो बाहरी एक व्यक्ति हैं, इस ज़िले के भी नहीं रहे हैं, और रही बात बहुजन समाजवादी पार्टी की, आपको भी पता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है, वो सिर्फ भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद पांडे जी जो प्रत्याशी यहाँ घोषित हुए हैं उनको यहाँ कोई जानता भी नहीं है, न कोई नेता जानता है, ना किसी अन्य पार्टी के लोग जानते हैं, तो बहन जी एज ए भाजपा की भी पार्टी तरीके काम कर रही हैं, और कोशिश तो यही थी कि वो गठबंधन में आ जाती, ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, और वो पूरी तरीके से ब्लैकमेल्ड हैं, वो भाजपा के लिए काम कर रही हैं। और रही बात बीएसपी प्रत्याशी जो आपने बात की, उनका कोई यहाँ बहुत खास कोई असर पड़ने वाला नहीं है, अवधेश प्रसाद जी दलित नेता हैं, पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं, और जहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के भी वो पुराने नेता रहे हैं, तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो और ब्राह्मण हो, उनको सभी वर्ग का वोट मिलेगा, क्योंकि वो बहुत, उन्होंने सारे वर्गों के लिए काम किया है। तो अवधेश जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी रही है। और रही बात लल्लू सिंह जी की, लल्लू सिंह जी चुनाव नहीं जीतते हैं, लल्लू सिंह चुनाव जीतते हैं अयोध्या की वजह से, मोदी जी की वजह से, और इस मामले में मैं अवधेश जी पर, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता आपकी अवधेश जी पर पूरा भरोसा करेगी। जिस तरह से चुनाव आया और लगातार गिरफ्तारियां शुरू हो गई, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, और चुनाव आते ही उनकी गिरफ्तारी हुई कि वो भी गठबंधन में ही जुड़े हैं आप लोगों के साथ, क्या लगता है कितना सही मानते हैं सब चीज़ों को आप? भाजपा इंडिया गठबंधन से पूरी तरीके से डरी हुई है, भाजपा के लिए चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, ये भाजपा के लिए एज ए बी टीम तरीके काम कर रही हैं, और भाजपा चाहती कि विपक्ष को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरे की बात है। और एक सिटिंग सीएम को उन्होंने केजरीवाल जी को जिस तरह से फंसाने का कार्य किया है, लेकिन केजरीवाल जी बहुत ही मजबूत
नेता हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कोर्ट के द्वारा उन्हें न्याय मिलेगा। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा तो वो तो लोकतंत्र को घोटने का काम कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चलने वाला है। जनता सब समझ चुकी है, जान चुकी है, और आने वाले चुनावों में भाजपा को ये जनता ज़रूर सबक सिखाएगी। जी सर, फंडिंग का आरोप लग रहा है लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर, पहले मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आप गठबंधन में हैं, कितना सहयोग, कितना सपोर्ट आप उनके साथ है, क्योंकि 30 तारीख को दिल्ली में उनका धरना भी है, गठबंधन सारे वहाँ पर इकट्ठा होंगे, तो क्या लगता है कांग्रेस भी इस धरने में क्या शामिल होगी इसमें? बिल्कुल, हमारे NDA गठबंधन के वो साथी हैं, हम लोग का पूरा समर्थन केजरीवाल जी के साथ है, हमारी संवेदनाएँ उनके साथ हैं। और जो आपने बात किया कि भाजपा ने अभी उनके ऊपर जो शराब घोटाले का जो भी आरोप लगाया है, अभी इलेक्ट्रिक बांड को लेकर बड़ी मामला चल रहा है, उसको छुपाने के लिए मीडिया की नज़रों में वो चीज़ आ ना पाए, इसलिए केजरीवाल का जैसा कई जो नाटक इन्होंने किया है भाजपा वालों ने, इसलिए किया गया है। अभी आपको भी पता है सबसे ज़्यादा चंदा किस पार्टी ने लिया है, और जो चंदा देने वाले कंपनियां हैं उनके ऊपर पहले रेड डाला गया, आपको ही पता है, छापा डाला गया, फिर उन्होंने डरवश इनको चंदा दिया और सारे रेड वापस ले लिए गए, सारी FIR जो लॉज हुई थी सब वापस हो, कोई केस सब दबा दिया गया। भाजपा पूरे हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और अभी जब खुलासा होगा ये जो घोटाला हुआ है इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर, ये बहुत बड़ा घोटाला है तुफैल जी, लेकिन सरकार इनकी है, तो जब तक ये तब तक ये तथ्य छुपे रहेंगे। मीडिया को तो इन्होंने खरीद लिया है, मीडिया तो कुछ बोल ही नहीं सकती है, मीडिया को तो खरीद लिया है इन्होंने, मीडिया तो कुछ बोलना ही नहीं चाह रही है। तो ये जो इन्होंने फर्जीवाड़ा जो किया है, ये आने वाले समय में इसका भी खुलासा होगा, और जब भी इनकी सरकार जाएगी काफ़ी बड़े बड़े लोग इस घोटाले में शामिल हैं, और इसकी सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी। BJP का मुद्दा रहा राम मंदिर, राम मंदिर भी बनके तैयार हो गया, भव्यता भी आ गई, परशुराम जी विराजमान भी हो गए, अपार प्रतिष्ठा भी हो गई, क्या लगता है कि इस चुनाव में BJP इस मंदिर निर्माण को लेकर भुना पाएगी, जनता को अपने पर लाभान्वित कर पाएगी? पहली बात तो ये बता दें आपको, जो राम मंदिर का जो फैसला हुआ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के अनुसार हुआ। ये बार बार कहते हैं हम राम को लाए हैं, आप ये बात कह के कि आप राम को लाए हैं, आप कहीं ना कहीं एक धर्म का अपमान कर रहे हैं, भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। और रही बात राम के नाम पर वोट मांगने की, इनकी तो शुरुआत से ही राजनीति यही रही है, भगवान राम पे वोट मांगना, विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर ये वोट मांग के दिखाएं। आपको भी पता है हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को मुद्दा, कई सारे मुद्दे हैं। इनके यहाँ के जो वरिष्ठ जो सांसद हैं बणु गांधी जी, उन्होंने हमेशा किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और नौजवानों का मुद्दे उठाया, लेकिन उनको देखिए टिकट अब की पीलीभीत से उनको टिकट नहीं दिया गया। और वही अजय मिसा टैनी जो गृह राज्य इनका मंत्री है, उनके पुत्र ने किसानों को अपने जीप के से रौंद डाला, वो जेल में है, और ऐसे लोगों को आप टिकट पहले ही लिस्ट में फाइनल कर देते हैं, ये कहाँ का न्याय है? जो आप को बोले, जो मुद्दा उठाए, उसकी आवाज़ को आप बंद कर देते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे इनके सरकार में कोई बोलने वाला है, इनके नेताओं में भी कोई बोल ही नहीं सकता है, परेशान सब हैं लेकिन कोई बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि सब डरे हुए हैं। वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति बोल सकता है, नरेंद्र मोदी जी, और जितने उनके सांसद सब सुनने वाले लोग हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत, भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जैसी भ्रष्ट पार्टियों को अगर आप वोट देते हैं, तो आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भूखे मरेंगी, क्योंकि ना रोज़गार मिलेगा, ना कोई कार्य होगा, और महंगाई तो चरम सीमा पहुंच गई है। कांग्रेस समय में जो 400-500 सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपये 1100 रुपये सिलेंडर मिल रहा है,
पहले तो सब्सिडी भी देते थे कुछ रुपए, अब तो वो भी बंद कर दिया है। लोगों को फ्री में उज्ज्वला गैस के तहत गैस दिया, लेकिन उसको रिफिल कराने के लोगों के पास पैसे नहीं है। जिस 1000 का सिलेंडर था और चुनाव आते ही 200 रुपये उस पर डाउन मतलब किया, क्या मतलब है? अभी देखिएगा चुनाव बाद ही 300 रुपये बढ़ा भी देंगे, 500 रुपये, ये भी देखिएगा ना आप, तो हमेशा करते हैं। 2 रुपये कर दिए पेट्रोल डीजल में, कच्चे दाल की कीमत क्या है इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, कितना समय मानते क्या 400 पार कर पाएंगे? कहाँ से लेके आएंगे 400 सीट? कौन सा काम कर दिया इन्होंने जो 400 सीट लेके आएंगे? किस बिहा पे आप कह रहे हैं 400 सीट लेके आएंगे? मोदी जी कहते हैं 400 सीट, ये इनका अहंकार बोल रहा है। इतना और कॉन्फिडेंस आपको 400 सीट के पार की बात करते हैं? अरे आप इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की बराबरी करने चले हो, बहुत अंतर है। आप उन तक पहुँच नहीं पाओगे, आप उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। और रही बात 400 सीट की, देखिएगा 200 सीट पा जाए, 225 सीट पा जाए, उससे ज़्यादा ही नहीं पाने वाले हैं। इनकी स्थिति बड़ी ख़राब है, क्योंकि इनके जो इनके साथ जो गठबंधन जो लोग साथ में हैं वही लोग इनसे नाखुश चल रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति बड़ी ख़राब है, क्योंकि 2014 में 2019 में उद्धव ठाकरे जिनके साथ थे तो वहाँ से अच्छी सीट निकाल के लेके आते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। देखिएगा और सुनिए, यूपी में बहुत अच्छी स्थिति इनकी नहीं होने वाली है। ये 80 की 80 सीटों को जीतने की बात करते हैं, यहाँ भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। बिहार में भी यही स्थिति होने वाली है, तो कुल मिला के ये 200 से 225 ज़्यादा सीट नहीं पा पाएंगे मुझे जो लगता है। बाकी चुनाव आयोग है, उस पर क्या बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता इनको लाइक करेगी। और आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन है उसको जो है पूर्ण बहुमत के साथ जनता मत देगी अपना, और हम लोग सरकार बनाएंगे। कांग्रेस और महाअध्यक्ष उपाध्यक्ष चलिए थे हमारे साथ डॉक्टर करण त्रिपाठी जी, जो कि महानगर उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से, और इन्होंने बताया कि इस बार जिस तरह से सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है कि 400 पार सीट होगी, तो इधर हमारे करण त्रिपाठी जी इनका कहना है कि 200 पार कर लें बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरह की महंगाई और भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला हुआ है, तो इस तरह के यहाँ पर जो माहौल हैं, इस बार बीजेपी का आ पाना बहुत मुश्किल है, और गठबंधन भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। अयोध्या से परवा साक्षी के लिए तुफाइल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।